या खेती की क्रियाओं में थोड़ा ज्यादा ध्यान चाहती हैं, लेकिन ये भी सही है कि उनका रिटर्न भी उसी तरह से मिलता है। अगर शिमला मिर्च की बात करें तो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हर समय इसकी खेती होने लगी है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी खेती में किन बातों का ध्यान रखा जाए, देखें इस रिपोर्ट को। पिछले डेढ़ दो दशक में खेती के तौर तरीकों में जिस तरह से बदलाव आया है, उसे देखकर लगता है कि अब किसान जीवन यापन के लिए नहीं बल्कि खेती को धीरे धीरे एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। इसलिए किसान आज के वक्त में पुरानी फसलों को छोड़कर लोगों के डिमांड के अनुसार नई फसलों की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं और इन नई फसलों से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। इसी तरह की एक विदेशी सब्जी है शिमला मिर्च। इसकी खेती भी किसानों को खूब भा रही है क्योंकि इसे लोग सलाद और सब्जी दोनों के रूप में खूब पसंद कर रहे हैं और इसी के चलते शिमला मिर्च ने हर घर के खाने की थाली में अपने लिए एक खास जगह बना ली है। होटलों और घरों में लाल पीली शिमला मिर्च जहां सलाद के रूप में इस्तेमाल की जा रही है, तो वहीं हरी शिमला मिर्च सब्जी के रूप में लोगों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। इस बढ़ती डिमांड के कारण आलू की तरह शिमला मिर्च भी साल भर दुकानों पर दिखने लगी है, जो शिमला मिर्च की खेती करने वालों के लिए बेहतर लाभ का जरिया बन गया है। पॉलीहाउस में मुख्य रूप से हम खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर इत्यादि फसलों की खेती करते हैं, जिसमें शिमला मिर्च प्रमुखता से आती है क्योंकि ये बाजार में लाल, पीली और हरी तीनों कलर में शिमला मिर्च उपलब्ध होती है, जिसकी विभिन्न प्रकार के उत्सवों में और अनेक पंच सितारों होटलों में इनमें इसकी काफी अच्छी मांग बनी रहती है। अगर कोई किसान शिमला मिर्च की खेती करना चाहता है तो वो खुले खेतों में हरे रंग की शिमला मिर्च की खेती कर सकता है, लेकिन अगर किसान शिमला मिर्च की खेती में पॉली हाउस का सहारा ले तो वो कुल 6 रंग यानी लाल, पीली, ऑरेंज, चॉकलेट, बैंगनी और हरी रंग की शिमला मिर्च की किस्म उगा सकता है। अब अगर शिमला मिर्च की मार्केट रेट की बात की जाए तो हरी शिमला मिर्च बाजार में 40 से 80 रुपए प्रति किलो तक बिक जाती है, वहीं कलर्ड शिमला मिर्च बाजार में आसानी से 200-250 रुपए प्रति किलो में बिक जाती है। शिमला मिर्च की इसकी डिमांड के ऊपर ज्यादा निर्भर करती है, लेकिन फिर भी आपको ये बाजार में 30 जब डिमांड अच्छी हो, जब सब्जियों की मांग रहती है तो उस समय तो ये 100 रुपए से 200 रुपए किलो तक भी बिक जाती है, और जब मांग नहीं हो तब भी आपको 30-40 रुपए किलो के इसको आराम से दाम मिल जाते हैं। अगर आप बेहतर क्वालिटी की किस्मों का चुनाव कर उन्नत तरीके से शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको 4000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से साल भर में 300 से 400 क्विंटल तक उपज मिल जाती है और इसकी खेती पर आने वाले खर्च को घटाने के बाद भी आपको साल भर में 8 से 10 लाख रुपए की शुद्ध बचत हो जाएगी। शिमला मिर्च की खेती से अगर इतनी कमाई करनी है तो आपको अपने इलाके के नजदीकी मार्केट की डिमांड को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इलाके की डिमांड के अनुसार ही शिमला मिर्च के रंग और किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जिसे आप अपने इलाके में उगा कर ज्यादा लाभ कमा सके। पॉली हाउस में शिमला मिर्च लाल, पीली, हरी तीनों प्रकार की उगा सकते हैं, तो अगर हमारे पास में अच्छी साइज 4000 वर्ग मीटर का है तो अपन इस तरह से अपनी प्लानिंग करें कि अपन तीनों कलर की मिर्च को ही 1500-1500 स्क्वायर मीटर में, या जिसकी डिमांड हो उसको ज्यादा में और जिसकी कम हो उसको कम में, एक ही तरह की न करके तीनों कलर की शिमला मिर्च अपन उगाएं, तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई भरपूर पैदावार के साथ साथ आय भी अर्जित कर सकते हैं। हमें लाल शिमला मिर्च के लिए कई तरह की हमारी किस्में आती है, जैसे बॉम्बे है, नताशा है, उसको भी अपन काम में ले सकते हैं। पीली शिमला मिर्च के लिए स्वर्णा है, फिएस्टा है, ओरोवली है, इसको काम में ले सकते हैं। और हरी शिमला मिर्च के लिए अपन इंदिरा है, भारत है, कैलिफोर्निया वंडर है, इनको अपन काम में ले सकते हैं। शिमला मिर्च की पॉली हाउस में खेती करने से पहले इसकी नर्सरी पौध तैयार करनी होती है, जैसे आप खुले खेतों में
या फिर प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अगर खुले में नर्सरी तैयार करनी हो तो आपको शेड नेट का इस्तेमाल करना होगा। वहीं प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करने के लिए पहले आपको प्लास्टिक की ट्रे खरीदनी होगी और फिर इसमें कोकोपीट भरकर एक खंड में एक या दो बीज की बुआई करनी होगी। शिमला मिर्च की नर्सरी पौध बुआई के 25-30 दिन के बाद रोपाई लायक हो जाती है, जिन्हें पॉली हाउस में लगाने से पहले नर्सरी पौध को कार्बेंडाजिम या थीरम दवा से उपचारित करना बेहद जरूरी है। इसके बाद पौधों को पहले से तैयार किए बेड पर ड्रिप बिछाने के बाद 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई की जाती है। पॉली हाउस में अगर बात कीट रोगों की करें तो इसमें निमेटोड को छोड़कर ज्यादा कीट रोगों का प्रकोप नहीं होता। निमेटोड के कारण पौधों की जड़ों में गांठें बनती हैं, जिससे पूरी की पूरी फसल सूख जाती है। ऐसे हालात में कृषि विशेषज्ञों ने इनसे निजात पाने का आसान तरीका खोज निकाला है जो काफी कारगर है। पॉली हाउस में खेती करने के लिए जो हमारे लिए अवरोधक है, जो बाधक है, वो हमारे पॉली हाउस में निमेटोड प्रबंधन, और निमेटोड प्रबंधन के लिए जो हमारे IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इसारगट्टा बेंगलोर, इनकी एक बहुत बढ़िया तकनीकी आई है कि अगर अपन 1000 किलो वर्मी कंपोस्ट में 2 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर, 2 किलो सुडोमोनास, 2 किलो पेसिलोमाइसिस इनको अच्छी तरह से मिला के और उसको 10 से 15 दिन तक अच्छी तरह से नमी संरक्षित करके अगर अपन इन जीवाणुओं की संख्या को वृद्धि करके और अपना नीम की खल ये मिलाकर उस खाद को अगर अपन बेड पे डालते हैं तो अपन निमेटोड प्रबंधन में काफी मदद मिल सकती है। इस तरह उन्नत तकनीक से शिमला मिर्च की खेती करके किसान कम समय में बंपर उत्पादन के जरिए लाखों की कमाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आमतौर पर हमारे देश में खेती को ऐसा पेशा माना जाता है जहां कठिन परिश्रम के बाद भी गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों ने खेती से मोटी कमाई करके इस मिथक को तोड़ डाला है। आज हम आपको ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने इलाके के किसानों की डिमांड को परख कर दूरगामी सोच रखते हुए खेती के कैसे बिजनेस को अपनाया, जिससे वो आज सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं, जिसके आगे अच्छी खासी नौकरी करने वाले लोगों की कमाई भी फीकी पड़ जाती है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। महाराष्ट्र का विदर्भ, आज पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी ना मिलना आम समस्या हो गई है। अच्छी नौकरी के अभाव में लोगों ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमा सकें। ऐसा ही कुछ किया मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रहने वाले किरण महाजन ने। नौकरी न मिलने के बाद उन्होंने टिश्यू कल्चर तकनीक से केले का पौधा तैयार करना शुरू किया। अच्छी क्वालिटी के पौधों को किसान तक पहुंचाकर वो आज इस बिजनेस से लाखों की कमाई कर रहे हैं। इस बिजनेस को चूज करने के पीछे छिपी है उनकी दूरगामी सोच। किरण ऐसे इलाके से हैं जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। केले की खेती के लिए पहले उनके यहां किसान किसी भी आम किस्म का चुनाव कर लेते थे, लेकिन समय के साथ केले की खेती में बड़े बदलाव हुए। किसान आम किस्मों की जगह टिश्यू कल्चर से तैयार पौधों को खेतों में लगाने लगे। फिर क्या था, टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने में कई कंपनीज जुट गईं, लेकिन डिमांड इतनी थी कि उनको पूरा करना असंभव था। और इसी अवसर को पहचाना किरण महाजन ने। उन्होंने इन संभावनाओं को समझा बूझा और शुरू कर दिया टिश्यू कल्चर से पौधा तैयार करना। जब अपन पौधे यहाँ किसी कंपनी से बुलाते हैं तो कभी लेट होते थे, कभी मिलते नहीं थे एडवांस पेमेंट देने के बाद में भी। फिर हमने जाके कहीं 2-3 लैब देखी, जैसे पूना में गार्ग बायोटेक, होसुर में होसुर जाके, बेंगलोर के पास में होसुर है वहाँ जाके, तो उनसे थोड़ी सी पूछताछ करके उनसे कुछ थोड़ी प्रेरणा मिली। फिर एक छोटा सा अपन यहाँ एक प्लान खड़ा करते भाई खुद का ही, कि जिससे अपने आसपास के किसानों को भी और अपने को भी जो असुविधा जो हो रही है वो असुविधा नहीं होंगी, गांव में एक रोजगार मिल जाएगा।
किरण ने अपने एरिया में टिश्यू कल्चर लैब बनाने के लिए पुणे और बेंगलुरु जाकर टिश्यू कल्चर की लैब और टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने की टेक्निक के बारे में गहन अध्ययन किया। उनको लगा कि लागत और कमाई दोनों ही दृष्टि से टिश्यू कल्चर से केले के पौधे तैयार करने का काम उनके लिए सबसे मुफीद रहेगा। फिर उन्होंने एक छोटा सा टिश्यू कल्चर लैब बनाया, आज जिसमें वो सालाना 10 से 12 लाख के करीब पौधे तैयार करते हैं। एक पौधे को तैयार करने में उन्हें 8 से 9 रुपए का खर्च आता है, जिसे वो 12 से 13 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। इस तरह उन्हें 10 से 12 लाख पौधे बेचकर सालाना 25 से 30 लाख का शुद्ध मुनाफा होता है। ये तो पूरा कंप्लीट किसान को देने में अपने को 9 महीने की प्रोसेस है। एक पौधे को कम से लगभग 8 से 9 रुपए तक खर्च आ जाता है अपने को। सारे मजदूरी वगैरह, बिल, लाइट बिल, केमिकल्स जो भी है। मार्केट में हम किसान को उसके वहाँ पहुँचाने का 12 रुपए हम बेचते हैं। 10 लाख पौधे बनाने को 80 से 90 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। और शुद्ध आय कितनी हो जाती है? आय होती 20 से 30 लाख रुपए तक। टिश्यू कल्चर तकनीक में एक पौधे के टिश्यू को बायोलैब में मल्टीप्लाई करके एक बार में कम समय में 500 से 1000 पौधे तैयार किए जाते हैं। इसे प्रोग्रेस करने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 2-2 इंच के पौधे तैयार होने के बाद पौधों को पॉलिथिन में रखकर नर्सरी में बढ़ाया जाता है, उसके बाद किसानों को दे दिया जाता है। पहले तो ये तो अपना जो मदर प्लांट है उसका सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। जो अच्छा क्वालिटी का प्लांट पौधा हो, जिससे अच्छा यील्ड हो, जो डिसीज फ्री हो, ऐसा प्लांट का हम टिश्यू लेते हैं सिलेक्शन के लिए। वो टिश्यू लैब में डाल के अपने उसको ट्रीटमेंट करते हैं, एंटीबैक्टीरियल एंटीट्यूमेंट। उसके बाद में इसको अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो फर्स्ट स्टेज इंजेक्शन। उसके बाद में वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 से 4, 4 ऐसे 7 महीने तक हम मल्टीप्लाई करते। उसके बाद में उसको शूटिंग करते बड़े बड़े पौधे, उसको रूटिंग करके बाहर लाते वो प्राइमरी गार्डन। उसको प्राइमरी गार्डन करते, उसके बाद में सेकेंडरी गार्डन, फिर सेकेंडरी गार्डन का पौधा फार्मर को देते। ये पूरा प्रोसीजर के लिए कम से कम 8 से 9 महीना लैब का पीरियड है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसके नीचे का कंद लेके फिर उसको ऐसे प्रोसीजर है जिसमें उसको नीचे का एक अंदर का एक टिश्यू निकालते हैं छोटा सा, उसको मीडिया बॉटल में रखा जाता है जिसमें उसका मीडिया रहता है। वो एक महीने के बाद में उसकी फिर उसमें जो अपना ये जो मल्टीप्लिकेशन उसकी चालू होती है वहाँ से का एक इससे अपने कम से कम 300-400 से 500 पौधे मिलते हैं। अभी तो आपने समझा कि टिश्यू कल्चर पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं और इनको तैयार करना कितना फायदेमंद होता है। अब जानिए कि इन पौधों की खासियत क्या होती है। टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे खेतों में रोपाई के महज 9 से 10 महीने के बाद ही फल देने लगते।